हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल शाहिद। मैं आज आपके सामने द हिंदू आर्टिकल के आर रिफॉर्म एट रिस्क, डेट 9 दिसंबर 2016 का कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग या यूँ कहें कि वोकेबली लेकर आया हूँ। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों मीनिंग्स मैं आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब होता है अ चेंज दैट इज इंटेंडेड टू कन्वर्ट अ सिचुएशन दैट इज रॉन्ग और अनफेयर। इसका मीनिंग होता है सुधारना। सेकंड है रिजाइम। रिजाइम मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल समथिंग, मतलब शासन पद्धति। थर्ड है कीन। कीन मतलब है वेरी इंटरेस्टेड, ईगर। इसके दो मीनिंग है, वेरी इंटरेस्टेड और ईगर। वेरी इंटरेस्टेड मतलब होता है इच्छुक और ईगर मतलब होता है उत्सुक। फोर्थ पॉइंट रिटेन। रिटेन मतलब है टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, मतलब बनाए रखना, किसी भी चीज़ को रिटेन रखना, मतलब किसी भी चीज़ को बनाए रखना, ये मतलब होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, की वजह से। सिक्स्थ है फोर्ज, टू मेक और प्रोड्यूस समथिंग, बनाना। फोर्ज मतलब होता है टू मेक, बनाना। प्रोड्यूस मतलब होता है बनाना। स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब होता है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग मतलब होता है रोकना। नॉड अप्रूवल मतलब सिर हिलाकर हाँ करना। बिग टिकट। बिग से तो हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, बहुत महंगा। कॉन्सेंसस मतलब अग्रीमेंट अमंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड, मतलब आम सहमति। आम से मतलब है सारे के सारे लोगों की सहमति, लोग, पीपल मतलब लोग की सहमति। तो ऐसे ही मैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोज के 10 मीनिंग्स लाता रहूँगा और आने वाले टाइम के अंदर मैं इनकी ट्रिक्स भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।